भोपाल की उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान आलोक शर्मा ने कहा कि इस बार उत्तर विधानसभा में परिवर्तन होगा और कमल का फूल खिलेगा। मध्य प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदाता उत्साह के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भोपाल की उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा ने पुराने भोपाल के दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अपना मतदान किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा की जीत का दावा किया। आलोक शर्मा ने कहा कि उत्तर विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा और कमल का फूल खिलेगा। हम कांग्रेस के किला को ढहा देंगे। पुराने भोपाल का ये वार्ड क्रमांक 21 है। ये जो मतदान केंद्र श्री दिगंबर जैन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, इसमें मैं वोट डालने आया हूँ। अब अपने मत का उपयोग करने के लिए आया हूँ और मुझे बड़ी खुशी है। ये वो स्कूल है जिस स्कूल से मेरी पूरी शिक्षा हुई है, एजुकेशन हुआ है। इसी स्कूल से मुझे संस्कार मिले, गुरुजनों ने मुझे दिशा देने का काम किया है। और आज पुराने भोपाल में उत्तर विधानसभा में सुबह 6 बजे से सभी मतदान केंद्रों में घूम रहा हूँ, सभी वार्डों में जा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता पोलिंग एजेंट के रूप में, रिलीवर के रूप में तैनात है। टेबलों पर हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, वोटरों को निकालने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं। जब मैं जनता के बीच में जाता हूँ और बड़ी बड़ी माताओं बहनों की, महिलाओं के अंदर जबरदस्त अपना मतदान करने को लेकर जबरदस्त गुस्सा है, जब मैं उनसे बात करता हूँ, चाची बुआ कैसी हो, तो वो कहती है भैया कुछ नहीं, इस बार तो पुराने शहर में परिवर्तन 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 होगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार पुराने शहर में कमल का फूल खिलेगा और पुराने शहर में कांग्रेस के किले को ढहाने का काम पुराने भोपाल की जनता करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पुराने भोपाल में विजय श्री का वरण करेगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।